We turn our focus to Uttar Pradesh now, where a girl from Meerut was forced to quit college due to harassment by two of her very own classmates. These boys allegedly threatened to eliminate her family if she refuses to marry one of them. The girl also approached the police but received no help. But, you know, now with no options left, the girl then quit her college and approached the SSP, who is now registered in FIR. मैं IMT यूनिवर्सिटी में मैं पॉलीटेक्निक कर रही थी. मेरा सेकंड ईयर था तो वहाँ पे मेरी क्लास में दो लड़के थे. वो मेरे से फ्रेंडशिप करना चाहते थे तो मैंने फ्रेंडशिप के लिए मना कर दी. तो एक ने तो कॉलेज छोड़ दिया है ना, और दूसरे वाले ने मतलब मुझे ब्लैकमेल किया मेरी फैमिली के साइड से कि अगर मैंने तो फ्रेंडशिप नहीं की तो वो मेरे साथ मतलब कुछ उल्टा सीधा करेगा, मेरी फैमिली में से मेरे फादर को मार देगा ऐसी. फिर इस चीज़ की मैंने इसकी वजह से मैंने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया. मेरी पढ़ाई छूट चुकी है और फिर भी उसने मेरा मुझे परेशान करना नहीं छोड़ा. मेरी फैमिली के अंदर सबको कॉल कर करके परेशान करता है, रिश्तेदारों में मेरी फोटो वीडियोस वगैरह उसने वायरल की हुई हैं. मेरी बेटी कॉलेज जाती थी, कॉलेज कुछ दिनों पहले इसने जाना बंद कर दिया. फिर मैंने कहा भी जाना क्यों बंद किया, कहने लगी अम्मी ऐसे हम परेशान करते हैं ये लड़के. तो फिर हमने शिकायत करी तो वहाँ कॉलेज वाले ने हमारी नहीं सुनी. फिर हमने यहाँ पे शिकायत करी आ गए तो फिर यहाँ से जो थाने गई है रिपोर्ट हमारी, तो थाने वालों ने ये कह दिया कि यहाँ का मामला नहीं है, अब वहाँ जाओ कभी गंगानगर कभी सिविल लाइन थाने. उन्होंने इस तरह से मना कर दिया. कल फिर उसने हमें धमकी दी है लड़के ने कि उसने ये धमकी दी अगर शादी नहीं करी तुमने अपनी लड़की की हमारे साथ है, तुम्हारे आदमी को जान से मार देंगे हम, दो दिन का टाइम है बस. एक यहाँ पे लड़की आज आई हुई थी, उसका कहना था कि वो IMT यूनिवर्सिटी में पढ़ती है. उसने एक प्रार्थना पत्र दिया है, एक इसमें उसने लिखा है कि उसके साथ पढ़ने वाले दो लड़के ही उसको परेशान करते हैं, ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश करते हैं. इसकी शिकायत उसने अपने फादर से भी की और इसीलिए उसने यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दिया. तो उन दोनों लड़कों से उसको खतरा है, इस संबंध में उसने एक प्रार्थना पत्र दिया है. इसमें थानाध्यक्ष दिल्ली गेट को आदेश मेरे द्वारा दिया गया कि इसमें रिपोर्ट लिख के कार्रवाई करें. Let's turn our focus to Assam now, where the Modal police has struck again. This time it's in Assam's Nagaon, where a couple was beaten up all night and the woman's head was tonsured by the villagers for allegedly having an illicit affair. Now, when the couple tried to flee, they were geroused and beaten up mercilessly. 8 people have now been arrested by the police. The incident that has been reported from Kathiatoli under Kampur police station has been we've taken the matter very seriously. Total 8 persons who have been involved in the incident have already been arrested. Some other names have also come up and we'll be relentless in our pursuit of all these individuals who are involved. We want to request the public and want to send a strong message that no such incident will be tolerated and the strictest possible action will be followed. Well, with that, it's a wrap on this edition of the news. Thanks for watching and stay tuned.